स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये हमारा लेक्चर नंबर वन है। ये छोटा सा टॉपिक है क्लास इलेवेंथ में सीबीएसई बोर्ड की जो बुक्स है एनसीईआरटी बुक्स में एक छोटा सा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, और इस सेंटर ऑफ मास के बारे में हमें डिस्कस करना है। इससे पहले की जो भी टॉपिक्स हैं हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारी प्रीवियस लेक्चर वीडियो है उसमें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो टॉपिक है हमारे सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग, इस सेंटर ऑफ मास में जो पॉइंट है टॉपिक है उन पे हम किस किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये पहला आता है सेंटर ऑफ मास, यानी अगर कोई बॉडी है या किसी बॉडी का हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। टू बॉडी, एक जैसे टू पार्टिकल सिस्टम हो उसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना होगा, या कोई सिस्टम ऐसा हो जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हो, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना हो सिस्टम, तो उसका हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास में। जैसे सेकंड हमारा जो इसमें है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, यानी सेंटर ऑफ मास के बाद हम इसका फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा टू पार्टिकल सिस्टम होगा कोई, उसका सेंटर ऑफ मास का फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। ऐसा कोई सिस्टम होगा जिसमें एन पार्टिकल्स होंगे, स्मॉल एन, स्मॉल एन का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड सो ऑन एन तक, तो उसके बाद भी हम फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। और जो फोर्थ पॉइंट है कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ अ सेंटर ऑफ मास, यानी जो हमारा फार्मूला निकल के आएगा सेंटर ऑफ मास का, उसके कार्टेशियन कंपोनेंट के फॉर्म में हम फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि जो हमारी एक्सिस होती हैं, सभी लोग जानते हैं तीन एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग हम कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है वो हो मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसको हम यहां पे ड्राइव करके बताएंगे, फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। और फार्मूला कैलकुलेट करने के बाद हम आपसे दिखाएंगे कि मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, क्या कंडीशंस हैं उसमें, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जो है। तो सबसे पहले जो हमारा ये टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है जरा देखिए। सेंटर ऑफ मास का मतलब यह है कि किसी बॉडी का वो पॉइंट जिस पॉइंट पे उस बॉडी का होल मास कंसंट्रेटेड हो। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है, इस बॉडी का कोई ऐसा जरूर पॉइंट होगा जिसका होल मास कंसंट्रेटेड होगा। यानी ये समझ लीजिए, जैसे यहां पे इसको इस तरीके से हम रोके, यानी ये अगर बैलेंस रहे जो है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो है सेंटर ऑफ मास यहां पे क्या है, इसका होल जो है कंसंट्रेशन जो होगा इसका होल मास का वहीं पे कंसंट्रेट होगा, उसी पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे कोई बॉडी है इस तरीके से, अगर कोई आप स्टिक ले लीजिए एल लेंथ की आपको स्टिक ले लीजिए और इसका सेंटर ऑफ मास आपको बताना है, तो सेंटर ऑफ मास का मतलब यह हुआ कि इस स्टिक का होल मास कहीं ना कहीं पे कंसंट्रेटेड होगा। यानी मान लेते यहां पे इसका होल मास ये कंसंट्रेटेड है, तो ये इसका जो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है, या जैसे ये पेन है,
पेन का भी इस तरीके से अगर हम रोके, ये अगर ऐसे रुक जाइए, अगर बैलेंस इधर उधर ना जाए, तो इसका मतलब है कि ये जो इसका है यहां पे टॉप पॉइंट जो है वो इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास के बारे में जो हमने बताया आपको कि वो है किसी बॉडी का वो पॉइंट जिस पॉइंट पे उस बॉडी का होल मास कंसंट्रेटेड हो, उस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। ठीक, अब जरा इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका हमें फार्मूला कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, यानी कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल है और उस पार्टिकल का हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो देखिए ना, इसको हम जरा फिगर से आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। सेंटर ऑफ मास आपको कैलकुलेट करना है टू बॉडीज का। अब ये आपकी कौन सी एक्सिस हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी, ये वाई एक्सिस हो जाएगी, और ये जेड एक्सिस हो जाएगी। अब हम कोई अज्यूम करते हैं, कोई ए बी जो है टू पार्टिकल सिस्टम है, यानी टू पार्टिकल है जो एक सिस्टम बनाया है, जो जिसका मास ए का जो मास है वो एम वन है और बी का जो मास है वो एम टू है। मान लेते हैं यहां पे कोई ऐसा सिस्टम ये हमने ले लिया टू पार्टिकल सिस्टम, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है। ठीक है, अब इसको यहां से जब आप मिलाएंगे इस तरीके से मिला दीजिए, ये जो पार्टिकल है यहां पे, इन दोनों को जब आप यहां से ज्वाइन करा दीजिए, ये ए है और ये बी है, इसका मास जो है एम वन है और इसका मास एम टू है। अब आपको कैलकुलेट ये करना है कि इस टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, यानी इस टू पार्टिकल सिस्टम का होल मास कहां पे कंसंट्रेट होगा, वो पॉइंट आपको निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये जो आपका है ये आर वन पोजिशन वेक्टर ले लेते हैं, ये इसको ओरिजिन है, ठीक है, और ये आपका पोजिशन वेक्टर जो है आपका आर टू है। ठीक, अब यहां से देखिए, मान लेते ये जो सी पॉइंट है यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास है, तो यहां से इसको जब ज्वाइन कराएंगे तो इसकी वैल्यू ले लेते हैं आर सी एम, ये सी पॉइंट ले लेते हैं, यानी सी पॉइंट अगर इसका सेंटर ऑफ मास हम मान लेते हैं और जो ओरिजिन से डिस्टेंस हम ले लेते हैं आर सी एम, तो इसका फार्मूला हमारा क्या आएगा सेंटर ऑफ मास सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, वो फार्मूला हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें थोड़ी सी आप थ्योरी लिख सकते हैं पहले कि लेट अस कंसीडर अ टू पार्टिकल सिस्टम ऑफ मास एम वन एंड एम टू ऑफ पोजीशन वेक्टर आर वन एंड आर टू। इफ द सी इज द सेंटर ऑफ मास एंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आर सी एम, देन एम वन प्लस एम टू इंटू आर सी एम इज इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू, ये आपका जो आ जाएगा सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, यानी सी की यही डेफिनेशन हमारी बन जाएगी। तो अगर इसमें आप थोड़ी सी थ्योरी अगर लिखना चाहें तो इस तरीके लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर अ टू पार्टिकल सिस्टम एम वन टू पार्टिकल सिस्टम ऑफ मास एम वन एंड एम टू, यानी टू पार्टिकल सिस्टम, इसमें थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं टू पार्टिकल सिस्टम ए एंड बी ऑफ मास एम वन एंड एम टू एंड देयर
पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज आर वन एंड आर टू, आर वन और आर टू है पोजीशन वेक्टर, एंड द देन द पोजीशन ऑफ आर सी, पोजीशन वेक्टर आर सी एम ऑफ द सेंटर ऑफ मास सी एंड आर एंड पोजीशन, पोजीशन वेक्टर आर सी एम इज द सेंटर ऑफ मास C and of the system, सीधे लिख दीजिए C of the system is defined by कैसे define कर देंगे इसको, ये लिख सकते हैं हम इसको जरा ऊपर से, क्योंकि ये इतनी थ्योरी आप इसमें लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर अ टू सिस्टम पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2 एंड पोजीशन वेक्टर r1 r2 एंड rcm इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ c इज डिफाइंड एज, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको जरा हम रफ करके आपको लिख देते हैं कि अब ये फार्मूला के फॉर्म में हमारा आ जाएगा, और कैसे आ जाएगा जरा देखिए, ये आ जाएगा आपका m1 प्लस m2 आर सी एम इज इक्वल टू क्या जाएगा, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू, ठीक है। अब इससे इसको अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, और इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर आप सेंटर ऑफ मास यानी आर सी एम की डिफिनेशन निकालना चाहें तो आप लिख सकते हैं the product of the total mass of the system and the position vector of the center of mass is equal to the product of mass, equal to the sum of product of mass and their position vectors। यानी कैसे इसको define कर सकते हैं, इसको फिर से देख लीजिए कि अगर हम इस फार्मूले से डिफाइन करें सेंटर ऑफ मास को, यानी आरसीएम को अगर आप डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं इसमें कि द प्रोडक्ट ऑफ टोटल ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड देयर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। मेरे हिसाब से डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, और यहां से आरसीएम की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हैं जरा देखिए, आरसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं आरसीएम की। अब देखिए कोई अगर दो बॉडी का कोई टू पार्टिकल सिस्टम है और उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, और क्या क्या चाहिए इस फार्मूले में, हमें दोनों जो पार्टिकल है उनके मास चाहिए और उनके जो पोजीशन वेक्टर है उनकी वैल्यू हमको अगर पता चल जाए, यानी ये जो डिस्टेंस है ये वैल्यू हमको पता चल जाए और ये जो डिस्टेंस है ये हमको पता चल जाए, तो हम टू पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस फार्मूले से यानी m1 r1 और m2 r2 की वैल्यू पुट करके हम सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो ये जो फार्मूला है वो है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए टू पार्टिकल सिस्टम का। अब इसमें कुछ केसेस भी हैं, कुछ कंडीशंस भी हैं, कि फर्स्ट कंडीशन ये मान लेते हैं कि अगर दोनों मासेज जो हैं वो अगर आपके इक्वल हैं तब क्या होगा, यानी इफ
M1 = M2 = M, यानी अगर ये दोनों जो हमारे हैं वो जो बॉडी है, दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो इक्वल मास के हैं, तब सेंटर ऑफ मास क्या होगा? मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है, एक ये बॉडी है, दोनों इक्वल मास के हैं, तो इन दोनों का जो सिस्टम बनेगा उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये कहां से क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पे M1 और M2 की जगह पे M पुट करके देख लीजिए, यानी RCM इज इक्वल टू, यहां पे M1 की जगह पे M पुट कर दीजिए, R1 प्लस M R2 अपॉन M प्लस M। अब यहां से M कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन 2M, M और M कैंसिल हो जाएगा, सो RCM इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन 2, ठीक है। यानी अगर दो पार्टिकल सिस्टम है, टू पार्टिकल सिस्टम है, और दोनों के दोनों पार्टिकल्स के मास इक्वल हैं, तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा दोनों के पोजीशन वेक्टर्स को ऐड करके उनको टू से डिवाइड कर दीजिए, तो हमें पता चल जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, ठीक। तो ये तो आपका आ गया, अगर मास दोनों इक्वल है, लेकिन अगर आपका ये समझिए इसका सेंटर ऑफ मास यानी आरसीएम की वैल्यू यानी ओरिजिन पे कॉन्साइड कर रही है, यानी सेकेंड पॉइंट अगर इसमें हम डिस्कस कर लें, इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम लाई एज ओरिजिन, ओरिजिन पे अगर लाई कर रहा है, यानी सेकेंड आरसीएम की वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो हो जाए। देखिए ये जो सेंटर ऑफ मास डिस्कस कर रहे हैं, ये जो थ्योरी है ये तो क्लियर होनी चाहिए कॉन्सेप्ट, इसके बाद जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी सेंटर ऑफ मास की, कि सेंटर ऑफ मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी बॉडी का, या टू पार्टिकल सिस्टम है या एन पार्टिकल सिस्टम है, उसका हम सेंटर ऑफ मास कहां कैसे कैलकुलेट करते हैं वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेक्चर वीडियो लाएंगे, तो उसमें और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए अगर टू बॉडी पार्टिकल सिस्टम है उसका जो सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं ओरिजिन पे है, यानी आरसीएम की वैल्यू क्या हो जाए जीरो हो जाएगी, तो यहां से जरा वैल्यू पुट करिए, तो आरसीएम जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × M1 + M2 क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी M1 R1 + M2 R2 इज इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि द सेंटर ऑफ जो अगर मास आपका जीरो है, द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ मासेज ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मासेज इज जीरो, यानी अगर आपका सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास जो है वो ओरिजिन है किसी बॉडी का, तो क्या निकल के आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू मास, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया टू पार्टिकल सिस्टम हमारा। अब अगर हमारे पास मान लेते हैं कोई ऐसी बॉडी हो जो एन पार्टिकल्स उसमें हो, कोई ऐसी बॉडी हम ले लेते हैं जिसमें पार्टिकल्स क्या हो, एन पार्टिकल हो, जैसे देखिए जरा जो हमारा थर्ड टॉपिक है, इसमें ये जो टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल, यानी अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि जो सिस्टम था हमारा वो केवल टू पार्टिकल सिस्टम था, लेकिन अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें कौन कितने पर एन पार्टिकल, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। जैसे मान लेते हैं कि इसका जरा फिगर ड्रा करते हैं, पहले ऐसा कोई सिस्टम लेते हैं जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हो, जैसे इस टाइप से कोई सिस्टम है और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, यानी एन पार्टिकल्स हैं अगर ये, और इसका हमें
सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये कोई एन पार्टिकल्स का सिस्टम है और इसका ओरिजिन मान लेते यहां पे कोई ओ पॉइंट है और इस यानी सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं ये सी, ये सी मान लेते हैं और यहां से ये डिस्टेंस हम आर एन ले लेंगे, ये आर वन ले लेते हैं, ये कोई पार्टिकल्स है हमारे। इस तरीके से हम ये डिस्टेंसेज को शो कर सकते हैं पॉइंट्स को जो है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये आर सी एम की वैल्यू है, ये सी, ये आर वन पोजिशन वेक्टर, आर टू पोजिशन वेक्टर, आर थ्री पोजिशन वेक्टर और आर फोर पोजिशन, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और लास्ट में हम क्या दिखा देंगे डॉक्टर, यहां पे ये है आर एन पोजिशन वेक्टर, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं किसी सिस्टम में। कोई ऐसा सिस्टम है जो एन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और उसका हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो इसमें थोड़ी सी आप फिर थ्योरी लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स ऑफ मास एम वन एम टू एम थ्री एंड सो ऑन एम एन एंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ ऑल द पार्टिकल आर वन आर टू आर थ्री एंड आर एन, देन बाय द डिफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं, आर सी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फार्मूला हमारे पास, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू एंड सो ऑन एम एन आर एन अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एंड सो ऑन एम एन। यानी अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें एन पार्टिकल से मिलके बना है, यानी बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये फार्मूला हम इसको लिख सकते हैं। इसको थोड़ा आप यानी समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं इस फार्मूले को, कैसे, यानी आर सी एम इसको लिख सकते हैं समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एम आई आर आई, ये तो ऊपर का पोर्शन हो जाएगा, यानी आई इक्वल टू वन रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, आई इक्वल टू टू रखेंगे तो ये वाला आ जाएगा और एन रखेंगे तो ये वाला हमारे पास पोर्शन आ जाएगा अपॉन समेशन एम आई आई इज इक्वल टू वन टू एन, यानी आई इक्वल टू वन पुट करिए तो एम वन आ जाएगा, टू पुट करेंगे एम टू आ जाएगा, एन पुट करेंगे तो एम एन आ जाएगा। अब ये वाला देखिए जरा, ये वाला जो पार्ट है सम ऑफ मास ऑफ ऑल पार्टिकल्स, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल एम, यानी ये क्या हो जाएगा आपका यहां पे कैपिटल एम इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू वन टू एन एम आई। अब यहां पे जरा कैपिटल एम, कैपिटल एम क्या है, टोटल मास ऑफ होल सिस्टम, यानी सारे पार्टिकल्स के कैपिटल एम, यहां पे कैपिटल एम पुट कर दीजिए तो फार्मूला हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, आर सी एम का यानी सेंटर ऑफ मास का फार्मूला आ जाएगा, आर सी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन एम सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन एम आई आर आई, ये फार्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एम क्या है हमारे पास, टोटल मास ऑफ द होल सिस्टम, यानी सारे पार्टिकल्स का मास निकल के आ गया। तो ये हमारा जो फार्मूला निकल के आया, ये फार्मूला वो है कि जब हमें बहुत सारे पार्टिकल्स किसी सिस्टम में हो और उसका हमें क्या निकालना हो, सेंटर ऑफ मास निकालना हो, तो यहां पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई सिस्टम हो जिनमें पार्टिकल तो एन हो लेकिन उनके सभी पार्टिकल्स के मास क्या हो, इक्वल हो, यानी एम आई क्या हो, एम वन एम टू एम थ्री सारे इक्वल हो, यानी इक्वल टू एम रख दे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास फार्मूला, जरा देखिए। यानी ये अगर हमारे पास एम वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू एम थ्री इज इक्वल टू, ये क्या हो जाए, एम के इक्वल हो जाए, सारे पार्टिकल्स जितने भी, जितने पार्टिकल्स से सिस्टम बना हुआ है
सभी का मास क्या हो, m हो, तो यहां पे जरा इसकी जगह m रख दीजिए, तो RCM इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्मॉल m, ये टोटल क्या आ जाएगा, I के m हो जाएगा कैपिटल m, सिग्मा I इक्वल टू वन टू n R I, ये आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा। और m अपान m इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपान n, यानी आर सी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपान n I इज इक्वल टू वन टू n R I, ये भी हमारे पास सेंटर ऑफ मास का फार्मूला निकल के आ जाएगा अगर बहुत सारे पार्टिकल से ये सिस्टम मिलके बना है। ठीक, तो ये तीसरा पॉइंट था हमारा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कार्टीजन कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कार्टीजन कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिख लेंगे, ये वाला जो फार्मूला हमारा है कार्टीजन के फॉर्म में इसी को लिख लेंगे, क्योंकि ये वाला जो हमारा फार्मूला है वो किस डायरेक्शन में, यानी एक्स डायरेक्शन में मान लेते हैं, तो हमें वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन तीनों डायरेक्शन में हमें अगर फार्मूले लिखने हो तब हम क्या लिखेंगे सेंटर ऑफ मास के, जरा देखिए कार्टीजन कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी चौथा पॉइंट जो अगर यहां पे हम लोग लिखे कार्टीजन कंपोनेंट के फॉर्म में, तो ये जो कार्टीजन होता है आर सी एम इज इक्वल टू होता है एक्स सी एम आई प्लस वाई सी एम जे प्लस और जेड सी एम के, जेड सी एम के, ये हमारे पास जो फार्मूला होता है ये आई कैप जे कैप और के कैप, ये आपके क्या होते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं, और इन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को हम इसको थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर सी एम की वैल्यू, हम जरा आर आई की वैल्यू अगर लिखे तो उसको भी एक्स आई आई प्लस वाई आई भी उस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहां से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, एक्स सी एम की वैल्यू निकालना हो, वाई सी एम की वैल्यू निकालना हो, जेड सी एम यानी एक्स सी एम वाई सी एम जेड सी एम, ये क्या है कार्टीजन कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास के, कार्टीजन कंपोनेंट। और आई जे कैप क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानते होंगे, ठीक है, आई और जे और के क्या है वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। अब जरा एक्स सी एम की वैल्यू अगर हम यहां पे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा एक्स सी एम इज इक्वल टू, इसी फार्मूले से हम लिख देंगे वन अपॉन एम सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन एम आई एक्स आई, ठीक है, ये लिख जाएगा हमारे पास। वाई सी एम की वैल्यू अगर हम निकालें, वाई सी एम क्या हो जाएगा, वाई सी एम इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, वन अपॉन एम समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एम आई वाई आई। और जेड सी एम की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें हम, जेड सी एम अगर निकालना हो इस फार्मूले में, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, जेड आई रख देंगे, यानी वन अपॉन एम सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन, और ये हो जाएगा एम आई, एम आई जेड आई। तो ये जो आपका कार्टीजन कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास के क्या निकल आया, एक्स सी एम वाई सी एम और जेड सी एम, यानी अगर हमें कार्टीजन कंपोनेंट के फॉर्म में सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो, यानी एक्स सी एम की वैल्यू कैलकुलेट करना हो, वाई सी एम की वैल्यू कैलकुलेट करना हो, जेड सी एम की वैल्यू कैलकुलेट करना हो, तो आप इन फार्मूला यूज करके और सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो आपको सेंटर ऑफ मास बताया गया है और जो वह टू बॉडी सिस्टम और एन पार्टिकल सिस्टम्स के जो फार्मूले बताए गए हैं तो ये समझ में आएंगे, काफी अच्छे फार्मूले। और ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तब और ज्यादा सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो ये सारी चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा जो हमारा अगला जो है हमारा वो है मोमेंटम कंजर्वेशन। नेक्स्ट जो पांचवा टॉपिक है मोमेंटम कंजर्वेशन, जरा देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोमेंटम कंजर्वेशन यानी कैसे मोमेंट कंजर्व रहता है,
ये हमें आपको निकाल के बताना है। मोमेंटम कंजर्व रहता है किसी भी पार्टिकल सिस्टम का, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स हो उसका मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है ये हमें कैलकुलेट करके आपको बताना है। तो इसमें भी थोड़ी सी थ्योरी अगर हम लिख लें, ये जो हमारा है 5 नंबर जो टॉपिक है वो है मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन। ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हमें मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यहां पे आपसे कैलकुलेट करके बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक सिस्टम यानी लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ मास m1 m2 एंड mn और मास जब m1 m2 m1 एंड रिस्पेक्टिव वेलोसिटी एंड रिस्पेक्टिव वेलोसिटी v1 v2 एंड सो ऑन vn है तो जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है p = p1 + p2 + p3 and so on pn। जो मोमेंटम आपका है होल मोमेंटम जो पूरा सिस्टम होगा उसका मोमेंटम जो होगा p = क्या होगा p1 + p2 + p3। और ये क्योंकि ये मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पे वेक्टर भी अप्लाई कर दीजिए। अब मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम होता क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां पर रख दीजिए p1 की वैल्यू m1 v1 + m2 v2 + and so on mn vn, यानी p1 की वैल्यू p2 की वैल्यू और वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पे वेक्टर लगा दीजिए। ठीक, यानी जो p = p1 + p2 + p = जो होल जो आपका मोमेंटम है वो कंजर्व रहना चाहिए। यानी ये जो आया अब p1 क्या होता है, p लीनियर मोमेंटम जानते हैं क्या होता है p = m × v। फार्मूला क्या होता है p का, मोमेंटम का p = m × v। तो p1 की वजह से क्या हो जाएगा m1 v1, p2 की वजह से क्या हो जाएगा m2 v2 एंड pn की जगह क्या हो जाएगा mn vn। अब अगर इसको हम डेफिनेशन के अगर हम वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास तो क्या हो जाएगा, यानी बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा VCM इक्वल टू आ जाएगा 1/m। VCM अगर लिखें VCM इक्वल टू हो जाएगा 1/m m1 v1 + m2 v2 and so on mn vn। ठीक है, यहां पर mn vn लिख दीजिए। अब ये जरा ये वैल्यू देखिए, ये वाली जो वैल्यू है आपकी ये वैल्यू ये है तो ये m इधर ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा m vcm = m1 v1 + m2 v2 + and so on mn vn। ठीक, अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यहां पे mcm पुट कर दीजिए तो ये आपका p यानी मोमेंटम जो आ जाएगा आपका p = ये वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू क्या है mvcm तो ये आ गया mvcm। ठीक, अब अगर इसको आप यानी यहां से अगर आप इसको मोमेंटम को डिफाइन करें तो लिख सकते हैं द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ
सिस्टम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल यानी मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, ये आप लिख सकते हैं इसे। अब इसको जरा डिफरेंशिएट अगर कर दीजिए और डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और डिफरेंशिएट यानी रेट चेंज ऑफ मोमेंटम अगर आप निकालिए, यानी रेट चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम डी वी सी एम अपॉन डी टी। यानी अगर इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये रेट चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। तो यहां पे जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी एक्सीलरेशन। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये एक्सीलरेशन आ जाएगा, एसीएम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम, और ये निकल के आ जाएगा ए सी एम। तो एक्सीलरेशन भी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ध्यान दीजिए न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। तो ये जो आपका आया है इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, और वो कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स, यानी सभी एक्सटर्नल जो जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। यहां पर ये लिख सकते हैं इसकी जगह एफ एक्सटर्नल यानी डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल। और इससे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स लिख सकते हैं। जो है अगर आपका जो है ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज आपके जो सिस्टम के हैं, ये जो एफ एक्स टी है ये अगर जीरो हो जाए, यानी यहां से अगर आप देखें एफ एक्स टी जो है ये अगर जीरो हो जाए, यानी इफ एफ एक्स टी इक्वल टू जीरो, एफ एक्स टी मतलब एक्सटर्नल फोर्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स, ये अगर जीरो हो जाए तो यहां पे जरा जीरो वैल्यू पुट करके देखिए क्या आएगी, यानी डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और जब ये जीरो निकल के आ जाएगा, ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P इज इक्वल टू, यहां से निकल के आ गया P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, और यही हमें मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन प्रूफ करना था। इसका मतलब ये हुआ P1 वन प्लस पी टू प्लस सो ऑन पी एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि P1 वन प्लस पी टू प्लस सो ऑन पी एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, ये वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि वेन द वैक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। यानी अगर किसी सिस्टम पे जितने भी फोर्सेज एक्सटर्नल फोर्सेज लग रहे हैं उन सब का सम अगर जीरो हो तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कंजर्व्ड होगा। ठीक, तो मेरे हिसाब से आज जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए सारे समझ में आए होंगे। और ये सेंटर ऑफ मास, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं काफी, तो जो लोग भी हमारी लेक्चर वीडियो देखते हैं वो देखते रहें, और लोगों को भी बताएं, शेयर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन न्यू लेक्चर वीडियो की मिलती रहे। और अभी और सारी ऐसी वीडियो आती रहेंगी हम अब न्यूमेरिकल्स की, और इसके जो टॉपिक्स बचे हैं वो भी लेक्चर वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, फिर हम इसके जो आपके लेफ्ट जो टॉपिक इस चैप्टर के पॉइंट टॉपिक के जो बचे हुए हैं, अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, उनकी भी लेक्चर वीडियो हम बहुत जल्द लेकर के आएंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू।